बसपा का नाम कोई लेवा नहीं है। मैं राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश देख के कह सकता हूँ कि भाजपा का सफाया इस बार तय है। 84 से अभी इलाहाबाद सीट पर कांग्रेस नहीं जीत पाई थी, इस बार कितना ताकत से लड़ रहे हैं कि जीत दर्ज की? आपकी कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है, कांग्रेस पार्टी है, और जिसने सबसे ज़्यादा लंबे कार्यकाल तक इलाहाबाद पार्लियामेंट्री क्षेत्र की सेवा की है, कुंवर रेवती रमन सिंह को कोई भूल नहीं सकता। उज्जवल जी हैं, जब दोनों मिल गए हैं तो मुझे कहीं दूर दराज तक नज़र नहीं आता कोई खड़ा होगा। शायद भाजपा ने इस सीट को एक तरह से सरेंडर कर दिया है और इसीलिए जो प्रत्याशी दिया है उन्होंने बहुत सोच समझ के दिया। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में लोग समझते थे, जनता के बीच में जानकारी नहीं। मैं तो राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश देख के दंग रह गया, वहाँ सब कह रहे हैं कि मोदी ने, कोई कहता 8,000 लूटा, कोई कहता 10,000 करोड़ लूटे, फिगर की गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन सब कह रहा है कि इसने भ्रष्टाचारियों से क्यों पैसा लिया, उनसे क्यों लिया कि ईडी सीबीआई जो जाँच करने वाले थे। और कल मैं देख रहा तो मोदी जी जब प्रेस में बोल रहे थे तो आँख नहीं मिला पा रहे थे कैमरे से, तो कहीं ना कहीं मोदी जी की नज़रें इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर झुकी हुई।